डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में बीए के जो भी रिजल्ट से परीक्षा परिणाम थे वो फर्स्ट ईयर के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। चलिए हम आपको बिना देरी किए बताए देते हैं कि आप कैसे रिजल्ट चेक करेंगे। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। नीचे आप जाएंगे, स्क्रोल करते जाएंगे नीचे को, एकदम नीचे चलते जाएंगे। तो जब आप इतना नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पर देखिए रिज़ल्ट और मार्कशीट का आपको मिलेगा, एक कॉलम टाइप का मिलेगा। तो आप इसको क्लिक कर देंगे, ठीक है। मैंने उसको क्लिक कर दिया तो कुछ ऐसा पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा। अभी नेटवर्क स्लो है, मैंने पेज पहले से खोल रखा है, वहीं से खोल देते हैं। ऐसा इंटरफेस के साथ पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा। इसमें देखिए BA1 और BA2, तो आज BA1 का रिज़ल्ट आया है, BA2 का तो पहले ही आ चुका था। तो BA1 पे आप क्लिक करेंगे, BA1 का यहाँ पे आपको रिजल्ट दिख रहा होगा, तो BA1 पे आप क्लिक करेंगे। देखिए आपने BA1 क्लिक किया है, यहाँ पे आपके कॉलेजेस खुल के आ गए हैं सारे के सारे, जितने भी आपके कॉलेजेस हैं, जितने भी कॉलेज हैं सारी की सारी लिस्ट आ गई है। आप इसमें से अपना कॉलेज सेलेक्ट करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 184 नंबर पे कॉलेज है, सुभाष चंद्र स्नातक महाविद्यालय बंकटवा बाजार सबरपुर गोंडा, ठीक है। इसके सामने यहाँ पे व्यू रिज़ल्ट लिखा हुआ है, व्यू रिज़ल्ट पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो व्यू रिज़ल्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने रिज़ल्ट सेक्शन का कॉलम खुल जाएगा। आप यहाँ पे अपना रोल नंबर भरेंगे, शो रिज़ल्ट पे क्लिक करेंगे, आपका रिज़ल्ट क्या एज़ वेल एज़ आपकी मार्कशीट जो है खुलकर आपके सामने आ जाएगी। प्रमोशन हुआ है तो उसके मार्क्स या जो भी हैं उसके मार्क्स आ जाएंगे। आपको सूचित कर दें कि टोटल जो है 132,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसमें से 108,000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षार्थियों का जो भी उत्तीर्ण प्रतिशत है वो 81.96%, जिसको हम 82% भी कह सकते हैं, वो रहा है। 62,000 छात्र थे जिनमें से 48,000 छात्र पास हुए हैं। पास छात्रों का प्रतिशत 76.64% है। 69,000 छात्राओं ने प्रतिभाग किया था बीए में, जिसमें से 60,157 छात्राएं जो हैं उत्तीर्ण हुई हैं। 86.78 परीक्षा पास का प्रतिशत है। तो ये उक्त परीक्षा फल और अंकों का विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट से कैसे ये डिटेल देख पाएंगे, हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो अधिक खबरों के लिए बनाए रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन, हम आप तक ऐसी खबरें जरूर पहुंचाते हैं। हम आपको और बता दें कि बीएससी सेकंड ईयर का जब रिज़ल्ट आया था तो उसमें एक लड़के के कंप्लीट रिजल्ट्स में कांग्रेस लिख गया था। तो आपके भी साथ कुछ ऐसा हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, हम आपकी बात पब्लिक तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल बनाए रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन। धन्यवाद।